डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई और बहुत अहम वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है तो वो है टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस। डियर व्यूवर्स, ये भी शॉर्ट सी वीडियो है लेकिन आप लोग को सीखने के लिए आज भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस वायरसेस। डियर व्यूवर्स, जो हेपेटाइटिस की फैमिली में जो सबसे पहला टाइप का वायरस है वो कहलाता है HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस। डियर व्यूवर्स, अगर हम बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की कि इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है तो वो होता है RNA, ये कहलाते हैं RNA वायरस। डियर व्यूवर्स, अगर ट्रांसमिशन की हम बात करें कि ये किस तरह से इंसान में मुंतकिल होता है तो इसके लिए जो रूट है वो है फीकल ओरल रूट, यानी ये वायरस जो है ये मरीज़ के पाखाने में स्टूल में एक्सक्रीट होता है, जाकर खुराकी चीज़ों को या फिर पानी को ये गंदा करता है। और अगर वो गंदी खुराक या गंदा पानी अगर पिया जाए तो ये जिस्म में आ सकता है और बीमारी काज कर सकता है। डियर व्यूवर्स, अगर कैरियर स्टेट की हम बात करें कि हेपेटाइटिस ए वायरस में कैरियर्स होते हैं या नहीं होते, कैरियर का मतलब क्या होता है कि कुछ वायरसेस हैं जो कि जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन उस बीमारी के कोई अलामत नहीं होती, लेकिन ये दूसरे लोगों में उस बीमारी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, हेपेटाइटिस ए वायरस में कोई भी कैरियर स्टेट नहीं होता, कोई भी कैरियर्स नहीं होते। अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी पर हम बात करें कि हेपेटाइटिस ए वायरस का कोई वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, तो जी हाँ, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं। अगर टाइम पर वैक्सीन किया जाए तो हेपेटाइटिस ए वायरस से बचा जा सकता है। डियर व्यूवर्स, हेपेटाइटिस की फैमिली में जो दूसरे नंबर पर वायरस है उसे कहा जाता है HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो DNA होता है, इसलिए ये कहलाते हैं DNA वायरस। और डियर व्यूवर्स, अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि ये किस तरह से दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है तो मरीज़ के खून से, बॉडी फ्लूइड से या क्लोज कॉन्टैक्ट की मदद से ये दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है मरीज़ से। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ डियर व्यूवर्स, ज़्यादातर रिसर्च से ये साबित हुआ है या ज़्यादातर किताबों में ये लिखा गया है कि ये वायरस ज़्यादातर खून या खून से बनी अशिया जो हैं, या अगर मरीज़ के खून से कोई चीज़ गंदी हो जाती है और कोई दूसरा बंदा यूज़ करता है तो ये ज़्यादातर खून से ट्रांसमिट होते हैं ये वायरस। और डियर व्यूवर्स, बॉडी फ्लूइड में, खासकर सीमन में, स्लाइवा में और वेजाइनल सिक्रीशन में इसकी बहुत कम मिकदार पाई जाती है, तो चांसेस बहुत कम है कि ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो और क्लोज कॉन्टैक्ट से भी ये ट्रांसमिट होता है। अगर कैरियर स्टेट की हम बात करें तो ऐसे हज़ारों लाखों मरीज हैं जिसमें यह वायरस मौजूद होता है, उनमें इस बीमारी की कोई भी अलामत नहीं होती लेकिन यह वायरस उनकी जिस्म में, उनके फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड्स में, उनके खून में यह मौजूद होता है और दूसरे लोगों में यह ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसमें कैरियर स्टेट होता है। और अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो जी हाँ डियर व्यूवर्स, इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी के, अगर टाइम पर किए जाएँ तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हेपेटाइटिस की फैमिली में वायरस है डियर व्यूवर्स, उसे कहा जाता है HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस। डियर व्यूवर्स, अगर जेनेटिक मटेरियल पर हम बात करें तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है और ये कहलाते हैं RNA वायरस। अगर इसकी ट्रांसमिशन की हम बात करें कि किस तरह से ये मुंतकिल होता है दूसरे लोगों में, तो मरीज़ के खून से, बॉडी फ्लूइड से या क्लोज कॉन्टैक्ट की मदद से ये मुंतकिल हो सकता है। अगर कैरियर स्टेट की हम बात करें तो जी हाँ, इसमें भी कैरियर्स होते हैं। वैक्सीन अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डियर व्यूवर्स, इसमें वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना इसका कोई वैक्सीन अभी तक बना है। डियर व्यूवर्स, जो चौथा वायरस है हेपेटाइटिस की फैमिली में वो कहलाता है HDV यानी हेपेटाइटिस डी वायरस। अगर जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहलाता है RNA, इसलिए इसे RNA वायरस कहा जाता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि ये किस तरह से मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो मरीज़ के खून से, बॉडी फ्लूइड से या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट की मदद से ये मुंतकिल होता है। कैरियर स्टेट की अगर हम बात करें डियर व्यूवर्स, तो हाँ जी हाँ, इसमें भी कैरियर स्टेट होता है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डियर व्यूवर्स, हेपेटाइटिस डी की भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नॉलेजेबल बताना चाहूँ कि डियर व्यूवर्स, जिस बंदे को हेपेटाइटिस बी होता है तो उसमें हेपेटाइटिस डी वायरस भी होता है, या फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिसको हेपेटाइटिस बी हो उसे हेपेटाइटिस डी भी हो जाए। डियर व्यूवर्स, जो पांचवें नंबर पर वायरस है हेपेटाइटिस की फैमिली में, उसे कहा जाता है HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस। और डियर व्यूवर्स, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो भी RNA होता है और ये कहलाते हैं RNA वायरस। अगर डियर व्यूवर्स इसकी ट्रांसमिशन पर बात करें तो इसका रूट भी फीकल ओरल रूट है, यानी ये वायरस भी पेशेंट के, मरीज के पाखाने में, स्टूल में ये एक्सक्रीट होता है, जाकर ये खुराकी अशिया को या पानी को ये गंदा करता है। अगर वो गंदा पानी या गंदी खुराकी अशिया खाई जाए तो ये जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। डियर व्यूवर्स,
अगर इसके हम कैरियर स्टेट की बात करें तो इसमें बी कैरियर स्टेट जो है वो मौजूद नहीं होता। डियर व्यूवर्स, अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी पर बात करें तो हेपेटाइटिस ई वायरस का भी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना, ना ही अवेलेबल है। डियर व्यूवर्स, इसके बाद है लास्ट नंबर पर छठा टाइप का वायरस हेपेटाइटिस की फैमिली में, जो कहलाता है HGV यानी हेपेटाइटिस जी वायरस। और डियर व्यूवर्स, अगर इसके हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये भी RNA वायरस है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ज़्यादातर मरीज़ के खून से दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है। डियर व्यूवर्स, अगर कैरियर स्टेट की हम बात करें तो जी हाँ, हेपेटाइटिस जी वायरस में भी कैरियर्स होते हैं। और डियर व्यूवर्स, अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन बना है हेपेटाइटिस जी वायरस के लिए। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग MLT हब विद कामरान। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।